एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। सो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेगनेंसी की ये 9 मंथ्स की जर्नी, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तो होती ही है, और इस दौरान मोस्टली लेडीज क्या करती हैं, 9 मंथ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोचती है। बच्चा अच्छा होगा, बच्चा ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा। और इसमें से एक चीज ये भी है कि हमारा बेबी सबसे हेल्दी रहे और सुंदर भी दिखे। और जब हमारा बेबी डिलीवर हो जाता है, किन्हीं कारणों से थोड़ा सा डार्क पैदा हुआ है, थोड़ा सांवला पैदा हुआ है, हमारा जो कलर था माता का पिता का वो उसे नहीं मिला, तो माँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि नहीं भाई, हमारे बेबी का कलर अगर डार्क हो गया है, पहले डार्क नहीं था या फिर डार्क था भी, तो उसे हम कैसे साफ करें, उसका रंग जो है उसे हल्का कैसे करें। हमारे इंडियन जो वेदर है, यहाँ पर हर तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे ही रंग नॉर्मल होते हैं, सबके अपने कलर होते हैं, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मेरी जो बेटी है, दूसरी बेटी, उसका कलर इतना डार्क क्यों है, हमारी बड़ी बेटी का तो कलर फेयर है, मेरा भी कलर साफ है, लेकिन उसका इतना डार्क क्यों है, ये करो वो करो, कलर फेयर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी तरह मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी, और इसलिए मैंने मेरे डॉक्टर से बात करी और इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा बेबी बर्थ में उसका जो कलर था वो बिल्कुल नॉर्मल था, फेयर कलर था, पिंक लिप्स थे, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स जो उसे दी गई थी उसकी वजह से उसका कलर तीसरे चौथे दिन में काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। तो जनरली क्या होता है कि बेबी जब पैदा होते हैं तो दूसरे तीसरे दिन में वो उनका जो स्किन का कलर होता है, स्पेशली चेहरे का कलर, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो हमारे जो वेदर है, हमारा जो एटमोसफियर है, सराउंडिंग्स है, उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अभी वो हमारे पेट के अंदर थे, पेट के अंदर उनको एक अलग ही माहौल मिला था, डिलीवरी के बाद उनको अलग माहौल मिल रहा है, अलग टेम्परेचर मिल रहा है, और हर एक चीज़ का बेबी की स्किन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो दिखता भी है। तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से बेबी का जो रंग है वो आपको डार्क होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कई और रीज़न है जिसकी वजह से बेबी का रंग डार्क होता है या फिर डिलीवरी के बाद बेबी का रंग डार्क हो जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बेबी के रंग को साफ कैसे किया जाए और उसकी स्किन को फेयर कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज तो हमारा बेबी हेल्दी है या नहीं, इसका बेबी के स्किन के कलर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं होता है। बेबी डार्क कलर के साथ में अगर पैदा हुआ है, लाइट कलर के साथ में पैदा हुआ है, फिर काफी फेयर स्किन है उसकी, तो हर तरह से बेबी हेल्दी होता है, बेबी स्वस्थ होता है। ये बेबी की एक्टिविटीज पर आप डिसाइड करते हैं, ना कि बेबी के स्किन के कलर से। तो पहले ये जो मन में कन्फ्यूजन है ना कि मेरा बेबी डार्क है कहीं वो अनहेल्दी तो नहीं है, मेरा बेबी फेयर है तो कहीं वो बहुत हेल्दी तो नहीं है, ये मन से ये कन्फ्यूजन आप निकाल दीजिए। अब बात आती है कि मैंने क्या किया कि मेरी बेबी का जो कलर है वो इतना डार्क हो गया था, वो किस तरीके से लाइट हो गया। तो क्या होता है कि जब भी आपके बेबी का कलर डार्क हो जाता है, वो 8 से 10 महीनों में, कुछ बच्चे 1 साल तक का समय लेते हैं, नेचुरली लाइट हो जाता है, अपने आप ही टोन डाउन होता है, और जो ओरिजिनल कलर होता है ना बेबी की स्किन का, वो अपने आप निखर करके बाहर आ जाता है। अब इस कलर को थोड़ा सा और निखार देने के लिए, थोड़ा सा और साफ करने के लिए बेबी की स्किन को हमें नरिश करना होता है, नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी पैदा हुआ है, डिलीवर हुआ है, उसकी स्किन बहुत नरम है, ऐसे में आपको आपके बेबी को नरिशमेंट देना है, यानी कि जो नमी है त्वचा की उसे बना करके रखना है, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। आपको बेबी को रेगुलरली मालिश करना है, मसाज करना है और नहलाना भी है। उससे क्या होता है कि जो डेड स्किन आती है ना बेबी की, ये जो त्वचा निकलती है वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो रंग डार्क हुआ होता है ना वो अपने आप ही धीरे धीरे टोन डाउन हो जाता है, हल्का हो जाता है, और 2 से 3 महीने में ही बेबी का रंग काफ़ी साफ दिखने लग जाता है। बेबी की स्किन को नरिशमेंट देने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, नमी बनाने के लिए आपको एक सही मसाज ऑयल का इस्तेमाल करना है, एक अच्छे मसाज ऑयल का इस्तेमाल करना। ये मसाज ऑयल कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, आलमंड ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, और मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है। अब इन चारों तेल में से कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ये दो ऑयल जो है ये बेबी की स्किन को काफ़ी अच्छे तरीके से डीप नरिश करते हैं, और जो स्किन का जो कलर होता है उसे भी इन्हांस करते हैं, त्वचा को साफ करते हैं। ये प्रूव किया गया है रिसर्च में भी, और बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस भी रहा है, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वहीं आलमंड ऑयल एक अच्छा सा ग्लो देता है बेबी की स्किन को, काफ़ी ज़्यादा शाइनी दिखती है बेबी की स्किन, और स्ट्रेंथ में मिलती है स्किन को।
मस्टर्ड ऑयल अच्छा तो होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना करके रखता है बेबी की स्किन को, और ये जो मॉस्किटोज और ये सारी चीज़ें होती हैं ना घरों में, वो बच्चों को हार्म नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से बेबी का स्किन का कलर जो होता है वो टोन डाउन हो जाता है। जनरली लोग मस्टर्ड ऑयल घरों में यूज़ करते हैं क्योंकि दादी नानी सब ने कहा है कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो होता है वो बेबी को लगाना है, मालिश करना है, और फिर जब बेबी के स्किन का कलर डार्क हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इस वजह से हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ ना करें, आप मस्टर्ड ऑयल यूज करें लेकिन आपके बेबी का कलर धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने दोनों ही बच्चों के लिए एक अच्छे ऑयल का इस्तेमाल किया। अनिका के लिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया हमेशा ही, और मेरी जो दूसरी डॉटर है उसके लिए मैंने कोकोनट ऑयल यूज किया, और हमारी मालिश वाली जो आंटी है उन्होंने भी कोकोनट ऑयल को रिकमेंड किया और वो वही यूज करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक ऑयल से काफी ज्यादा फर्क पड़ा। वही दूसरी चीज कि आपको यूज करना है उबटन। बहुत सारे तरीके के जो उबटन होते हैं वो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं बाकी सबको तो रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आटा बेसन जो होता है, बेसन और आटा इसको मिक्स करके अगर आप थोड़ा सा हल्दी इसमें मिला लेंगे, टर्मरिक मिला लेंगे, और उसे एक लोई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उसे आपको बेबी की स्किन पर हल्के हल्के से रब करना है। डेली बेसिस पे आपको ये काम करना है, एक दिन में आपको फर्क नहीं दिखेगा। जब आप रेगुलरली ये काम करेंगे तो आपको एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जो लोई वाला उबटन होता है ना, ये बच्चे की स्किन से जो अनवांटेड हेयर होते हैं, जो वार्म हेयर होते हैं ना स्किन पे, उसे रिमूव करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे की स्किन पे डेड स्किन बनने लगती है ना, वो हल्की हल्की सी, उसे ही काफी अच्छे से रिमूव करता है। बच्चे की स्किन पे निशान भी नहीं आते, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उबटन वाला पार्ट था ना, ये काफी इफेक्टिव रहा मेरे बेबी के लिए, और इससे काफी ज्यादा निखार मुझे दिखाई दिया 1 से 2 महीने के अंदर ही। स्किन के कलर को फेयर करने के लिए या फिर साफ करने के लिए आपको बेबी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं स्ट्रिक्टली आपको कहूंगी 3 से 4 महीने तक आप कोशिश करें कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट बच्चे के ऊपर ना लगाएं, एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि बच्चे की स्किन ऑलरेडी काफी सॉफ्ट है, काफी ज्यादा मॉइस्चराइज्ड है, और ये सब चीजें अगर आप बच्चे की स्किन पे लगाएंगे ना तो उसका उल्टा ही फर्क पड़ता है। स्किन ग्लो नहीं करती है, लेकिन हो सकता है कि स्किन और रफ हो जाए, या स्किन से जो चमक है वो खत्म हो जाए, या फिर नमी ही खत्म कर दे ये सारे प्रोडक्ट। तो आप स्टिक रहिए सिर्फ एक प्रोडक्ट पर। अगर आप सोप यूज कर रहे हैं बेबी का, तो कोई अच्छे ब्रांड का सोप यूज करिए, बार बार ब्रांड्स चेंज नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ एक ही सोप इस्तेमाल किया था, मामा अर्थ का बेबी सोप था, तो वो सोप ही मैंने यूज किया, और उसी को मैं हेड पे भी लगाती थी, स्किन पे भी लगाती थी, और हाथ से रब कर, डायरेक्ट मैं सोप नहीं लगाती थी, हाथ पर सोप को लगा करके और फिर मैं स्किन पे हल्का सा रब करती थी, और फिर पानी से वॉश कर देती थी। बहुत देर तक सोप लगा के नहीं रखती थी, तो ना मैं बहुत देर तक नहलाती थी बच्चे को, बस क्विकली नहलाती थी और मेरा काम हो जाता था। इस तरीके से आप जो कुछ चीजें हैं ना, उन्हें आपको फॉलो करना है, और बहुत ज्यादा चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना जो कि मैंने आपको बोला। और कुछ नेचुरल चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि बच्चे का कलर अपने आप लाइट होता है, आपको बहुत ज्यादा घिसने रगड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ बेबी को लगाने की खिलाने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा बहुत छोटा है, अपने आप ही बच्चे रंग बदलते हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ भी करेंगे तो भी आपको यह फर्क पड़ेगा, और आप नहीं करेंगे तो भी आपको वही चीज दिखेगी जो चीज नेचुरली होने वाली होती है। अब इसके बाद मैं रेगुलरली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती थी, और मैं हर तरह की चीजें खाती थी। लाइक मैंने टर्मरिक का इस्तेमाल काफी किया है, मैंने अजवाइन मेथी वाटर का भी इस्तेमाल काफी किया है, सौंफ का पानी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन के नरिशमेंट के लिए, उसे भी मैं बहुत यूज करती थी। तो ये सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन का पूरा ही पानी बनाती थी, इसे मैं पीती थी। जो चीज हम खाते पीते हैं हमारी बॉडी से वो चीज हमारे बच्चे को भी जाती है, और हमारी बॉडी उसी के थ्रू मिल्क प्रोडक्शन करती है। ऐसा नहीं कि मैंने खाया और वो सीधे बेबी के पेट में चला गया, ऐसा नहीं है। मैंने जो भी खाया उसका जो एक एक्सट्रैक्ट होता है, हमारी बॉडी जो एक्सट्रैक्ट निकालती है उन चीजों से, उससे कुछ एलिमेंट हमारे ब्रेस्ट मिल्क में भी जाते हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें खाते हैं और अपने बेबी को पॉजिटिव माइंडसेट से फीड करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे केस में तो ये चीज काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। मुझे ऐसा लगता है कि बेबी का जो स्किन का टेक्सचर है, ना सिर्फ वो इम्प्रूव हुआ, कलर इम्प्रूव हुआ, इनफैक्ट बेबी की हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। और यहाँ तक कि डॉक्टर भी ये चीज देख करके काफी खुश होते थे। और जिस वजह से मैं परेशान थी ना, ये सोच सोच मेरी बेबी का कलर क्यों डार्क हो गया, इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो गई, तो अब वो चीज नहीं। और वो भी मुझे यही कहते थे कि देखिए, आपको मैंने पहले ही ये चीज बताई थी कि अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पियेंगे, बेबी को अच्छा ब्रेस्ट फीड देंगे, बेबी की स्किन को नरिश रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, तो डेफिनेटली बेबी का जो नेचुरल कलर था पहले वाला, वो उसकी स्किन बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। इन सभी चीजों के साथ
आप बेबी को वंस इन अ वीक मिल्क बाथ भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग का जो पहला और दूसरा महीना होता है, इसमें अगर आप बेबी को मिल्क बाथ देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उसे पानी में मिला करके उससे बेबी को नहला सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल काउ मिल्क जो होता है उसे भी बेबी को नहलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं पानी में मिला करके। तो ये चीज़ भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। मैंने सिर्फ एक ही बार ये चीज़ यूज़ करी, तो रेगुलरली तो यूज़ नहीं करी, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है, उनका कहना भी है कि ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर आप ये भी अपनी डेली रूटीन में बना लेते हैं, यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द मिथ कि ये कर लो वो कर लो, ये लगा लो ये पहना दो पता नहीं क्या क्या, सब कुछ छोड़ते हुए रियलिटी क्या है और सही चीज़ें अब हमें पता चल चुकी हैं। सो आपको बस इतना ही करना है कि अपनी बेबी के लिए सही मसाज ऑयल यूज़ करना है, सही सोप यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ब्रांड के पीछे नहीं भागना है, रेगुलर बेबी को बाथ देना है, रेगुलर बेबी को मसाज देना है, बेबी को सही उबटन लगाना है और हल्के हाथ से लगाना है। अगर आप रगड़ रगड़ के तेज़ी तेज़ी से लगाएंगे तो बेबी की स्किन पर रैशेज आ जाएंगे एंड बेबी को काफ़ी इरिटेशन होगा और हो सकता है कि बेबी की स्किन पर और भी कई सारे बबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है आपको। एंड ऑल्सो अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं अपनी बेबी को तो प्लीज़ देते रहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सोर्स है बेबी को ओवरऑल हेल्दी बनाने का। लेकिन अब अगर आपका बेबी बड़ा हो गया है और आप उसके डार्क कलर को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सा फेयर हो जाए स्किन, तो आपको वही चीज़ें करनी है। रेगुलर मसाज दीजिए, अच्छे से नहलाइए बच्चे को, अच्छे से सफाई रखिए, हाइजीन रखिए। एंड ऑल्सो आप ऑल्टरनेट डेज पे, या मैं कहूँगी वंस इन अ वीक, आप बेबी को उबटन कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव उबटन है और इसकी जो रेसिपी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख के इंग्रेडिएंट्स आप खुद पे ही घर पे बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे जुड़े और जो कंटेंट है वो ऑलरेडी मेरे पहले के ब्लॉग्स में आ चुके हैं। आप चाहें तो न्यू बॉर्न ब्लॉग्स की जो प्लेलिस्ट है या फिर आफ्टर डिलीवरी ब्लॉग्स की जो प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पर, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, आसानी होगी आपको, आप जाकर के देख सकते हैं। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली आपको क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कलर को लेकर के प्लीज़ आप परेशान ना रहें, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है एंड या कलर का बेबी की सेहत से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए और अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दीजिए। दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।